नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाल, लेक्चरर ऑफ मेडिकल, पैरामेडिकल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ओव्यूलेशन के बारे में। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि फीमेल की जो ओवरी होती है, जो अंड पिंड होता है, वहां से अंडकोश यानी कि ओवम यानी कि सेकेंडरी ओसाइट ग्राफियन फॉलिकल में से फर्टिलाइजेशन के लिए फेलोपियन ट्यूब में आती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि सेकेंडरी ओसाइट क्या होता है, और सेकेंडरी ओसाइट को जानने के लिए आपको हमारा पिछला वीडियो फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन पार्ट 1 देखना पड़ेगा। इसके बाद आप जानोगे कि आखिर में सेकेंडरी ओसाइट क्या होता है, और यही सेकेंडरी ओसाइट ओव्यूलेशन के दरमियान फर्टिलाइजेशन के लिए फेलोपियन ट्यूब में आता है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है, और ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन के बाद एवरी फीमेल के अंदर 14वें दिन के अंदर होता है। दोस्तों, चलो हम अब ओव्यूलेशन को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों, कैसे और क्यों होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओव्यूलेशन की डेफिनेशन के बारे में। तो ओव्यूलेशन की डेफिनेशन है, जो सेकेंडरी ओसाइट है, जो मैच्योर ओवम है, वो ग्राफियन फॉलिकल में से रिलीज होकर फर्टिलाइजेशन के लिए फेलोपियन ट्यूब में आता है, और वहां पे स्पर्म के साथ मीटिंग करता है और एम्ब्रियो का निर्माण करता है। इस रिलीज होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब हम बात करते हैं ओव्यूलेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है वो अप्रोक्सीमेटली 28 डेज होता है, प्लस माइनस 7-8 डेज होता है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट डे यानी कि ब्लीडिंग का जो फर्स्ट डे है, वहां से लेकर 14वें दिन के अंदर दुनिया की हर फीमेल के अंदर 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, ये पीरियड सेम रहता है। अब बात करते हैं कि फीमेल के अंदर दो ऐसे पीरियड आते हैं जहां पर ये ओव्यूलेशन की प्रोसेस नहीं होती है। पहला है लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया का मतलब होता है, लैक्टेशन का मतलब होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड, यानी कि डिलीवरी के बाद फीमेल जब अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान कराती है, उस समय हार्मोनल फीडबैक, हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण वहां पे ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर नहीं होती, इसीलिए वहां पे ओव्यूलेशन नहीं होता है। इसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंस होती है, इसको बोला जाता है लैक्टेशनल एमनोरिया। और इस लैक्टेशनल एमनोरिया के दरमियान अगर मेल फीमेल के बीच इंटरकोर्स होता है तो वहां पे प्रेगनेंसी रहने के चांस जीरो होता है। और ऐसा ही पीरियड एक दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट्रिक पीरियड। क्लाइमेट्रिक पीरियड के अंदर क्या होता है कि फीमेल जब 45 से अबो एज की हो जाती है तो वहां पे हार्मोनल इम्बेलेंस मिलता है, उसके कारण कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, कई बार ओव्यूलेशन नहीं होता, और कई बार ओव्यूलेशन होता है और कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। तो इस पीरियड के अंदर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर और ओव्यूलेशन के अंदर इम्बेलेंस मिलता है, जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। और इस मेनोपॉज का जो 5 साल पहले का एज और मेनोपॉज बाद के 5 साल जो होते हैं उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट्रिक पीरियड। अब बात करते हैं ओव्यूलेशन की मैकेनिज्म के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि फीमेल के अंदर, ओवरी के अंदर हर महीने 2 से 4 प्रीमोडियल फॉलिकल बनते हैं, और यही प्रीमोडियल फॉलिकल बाद में ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं, और उस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर अपना मैच्योर ओवम सेकेंडरी ओसाइट 23 क्रोमोजोम के साथ प्रेजेंट रहता है, और ये ग्राफियन फॉलिकल प्लस सेकेंडरी ओसाइट ओव्यूलेशन के टाइम बॉर्डर पे जाते हैं, ओवरी की पेरिफरी की तरफ जाते हैं और वहां पे थोड़ा प्रेशर लगाते हैं और जो बॉर्डर होती है वो थोड़ी एलिवेट हो जाती है। इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है प्लाज्मिनोजन। ये प्लाज्मिनोजन बाद में प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है और ओवरी की जो पेरिफरी की बॉर्डर होती है वो रप्चर हो जाती है। इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है, और रिलीज होने के तुरंत बाद एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको बोलते हैं फिम्ब्री।
वो फिम्बरी इस सेकेंडरी ओसाइड को एंगल्फ कर लेती है, कैच कर लेती है, और इसके बाद वही फिम्बरी धक्का लगा के उसको फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंचाता है। तो ये होती है ओव्यूलेशन की प्रोसेस, ओव्यूलेशन की मैकेनिज्म। तो दोस्तों हमारा चैप्टर, हमारा पार्ट ओव्यूलेशन का यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में कि अब ये ओवम बना, ओवम के बाद ओव्यूलेशन हुआ, अब ये ओव्यूलेशन फर्टिलाइज कैसे होगा, मतलब उसको स्पर्म के साथ मीटिंग होगी कैसे होगी, वो सब डिटेल में जानेंगे हम फर्टिलाइजेशन के अंदर। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये ओव्यूलेशन जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है MBBS, BDS, BHMS, BAMS, नर्सिंग स्टूडेंट, 11, 12, साइंस, नीट के अंदर, सारी एग्जाम्स के अंदर इतना इंपॉर्टेंट है कि सब एग्जाम के अंदर 10 या 20 मार्क्स से अंदर अवश्य आता है।